तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पबजी के इतिहास के बारे में। भाई पबजी कौन से बाबा आदम के जवाने का है जो तू हमको उसका इतिहास बताएगा? मेरा मतलब पबजी आखिर है क्या और इसे किसने कब कहां और कैसे बनाया? पबजी यानी कि प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड बेसिकली ये एक मल्टीप्लेयर गेम है जिसमें 100 प्लेयर खेलते हैं। सभी प्लेयर को पैराशूट की मदद से एक आइलैंड पे उतार दिया जाता है जहां पे इनको सर्वाइव करना रहता है। सर्वाइव करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है उनको उन घरों में से लूट करनी पड़ती है। हर प्लेयर का एक ही टारगेट होता है लास्ट तक सर्वाइव करना और जो प्लेयर लास्ट तक सर्वाइव कर जाता है उसको मिलता है एक स्पेशल गिफ्ट चिकन डिनर। तो बेसिकली ये सब एक चिकन डिनर के लिए किया जाता है और इसे हम प्यार से कहते हैं। तो इस गेम को बनाने का क्रेडिट ब्रेंडन ग्रीन को दिया जाता है जो कि ऑनलाइन स्टेज पर प्लेयर अननोन के नाम से जाने जाते हैं। ब्रेंडन अपने करियर के स्टार्टिंग में कोई गेम डेवलपर नहीं थे बल्कि वह आयरिश में जन्मे हुए फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर और वेब डिजाइनर थे। शुरू से ही उनको गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद था। उनके काम के चलते वह ब्राजील में रहा करते थे। ब्रेंडन को डेल्टा फोर्स और अमेरिकन आर्मी जैसे गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद था। एक दिन जब वो DayZ जो कि आर्मा 2 का ही एक मोड है खेल रहे थे तब वो उससे इतना ज्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपना कैरियर गेम इंडस्ट्री में बनाने का तय कर लिया। लेकिन गेम इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाने के लिए उनको प्रोग्रामिंग आनी जरूरी थी, इसीलिए उन्होंने पहले प्रोग्रामिंग सीखा और फिर उन्होंने गेमों के अंदर खामियां ढूंढ कर उसको सुधारना शुरू कर दिया। उनकी इस बहुत ही अलग अंदाज यानी कि बहुत ही अलग सोच से प्रभावित होकर सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट इनकॉर्पोरेटेड जो कि डे ब्रेक कंपनी के नाम से जानी जाती है उसने ब्रेंडन को H1Z1 जो कि किंग ऑफ द किल्स के नाम से जानी जाती है उस गेम के डेवलपमेंट में उनको सलाहकार के रूप में अपने कंपनी में अपॉइंट कर लिया। काम पूरा हो जाने के बाद ब्रेंडन ने उस कंपनी को अलविदा कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं चैंग हैंग की जो कि ब्रेंडन की तरह ही सोचते थे। उनकी साउथ कोरिया में एक गेम डेवलपमेंट की कंपनी थी जिसका नाम था गिनो गेम। फिर जाकर जनवरी 2015 में उसका नाम बदलकर ब्लू होल रख दिया गया। उस टाइम चैंग भी एक बैटल रॉयल गेम बनाने का सोच रहे थे इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया और रिसर्च करते करते उनको ब्रेंडन के बारे में पता चला। चैंग ने ब्रेंडन को साउथ कोरिया बुला लिया और उनको अपना पूरा गेम का कॉन्सेप्ट समझाया। ब्रेंडन को उनका कॉन्सेप्ट और आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगा इसीलिए उन्होंने चैंग के साथ मिलकर गेम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। काम स्टार्ट होने के बाद उन्होंने एक साल का डेडलाइन रखा और इसको बनाने के लिए टोटल 35 डेवलपर लगे थे लेकिन जैसे जैसे जरूरत पड़ी उनकी संख्या बढ़कर 70 हो गई। फिर जाकर 23 मार्च 2017 में इस गेम का बीटा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया जो कि गेमर्स और लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। हालांकि इसके अंदर कुछ खामियां थी लेकिन इन खामियों को सुधारने के बाद इसे सभी लोगों के लिए ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया। फिर फरवरी 2018 में एंड्रॉइड और iOS के लिए मोबाइल पबजी लॉन्च कर दिया गया। फिर क्या लोगों को ये गेम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना सब काम धंधा छोड़कर पबजी खेलना शुरू कर दिया। इसके लॉन्च होने के बाद जून 2018 तक इसने 50 मिलियन कॉपी वर्ल्ड वाइड सेल कर चुका था। इसके लॉन्च होने के कुछ ही महीनों बाद इसने कई सारे रिकॉर्ड बनाए भी और तोड़े भी। अगर अवार्ड की बात करें तो इसने बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम, पीसी गेम ऑफ द ईयर, एक्शन गेम ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन ऑनलाइन गेम प्ले, ई स्पोर्ट गेम ऑफ द ईयर, ट्रेंडिंग गेम ऑफ द ईयर, मोबाइल गेम ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड जीत चुके हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। भाई क्या पबजी खेलना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। आप शौक से खेलो, मोबाइल आपका, इंटरनेट कनेक्शन आपका, कौन होता है आपको रोकने वाला? लेकिन एक बात गांड बांध के रख लो, अगर हम कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा करेंगे तो उसका असर तो होना है। फिर चाहे वो पढ़ना हो गया, हंसना हो गया, चलना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, फिर सोना ही क्यों ना हो गया। इसीलिए मेरी तो यही एडवाइस होगी, खेलो पबजी बट लिमिट में। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियो पबजी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने उस हर एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो पबजी तो खेलता है पर पबजी के ओरिजिन के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो आज हम लाइक एम रखते हैं 501 लाइक का, पता यारो आप तो कर ही दोगे। अगर आप पबजी खेलते हो और पबजी के दीवाने हो तो आपने अभी तक कितना अचीवमेंट किया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और हाँ, जय पबजी तो बनता है। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिए।